हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरी गल हरप्रीत सिंह मक्खू ना हो रही है? हाँ जी, हरप्रीत सिंह मक्खू बोल रहे हैं जी। मक्खू साहब, थोड़ा कुछ विचार करने से थोड़े तो जानना सी, जिदा कि तुसी कौम दे के वड्डे विद्वान हो, प्रचारक हो, कथावाचक हो तुसी, जी ते मैं थोड़े तो पूछना सी गया कि जिदा कि शहादत दे दिन चलदे पे ने, गुरु साहब ने अपना पूरा परिवार कह लो के वार दिता सी गया, ते जी इन्हां दिनां नूं लै के एक जो भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों 26 दिसंबर नूं वीरवार दिवस वजों मनाउण दा जो ऐलान कीता सी ते मनाया भी गया, जी इस दा विरोध होया। मैं पूछना चाहना कि विरोध दा कारण सिर्फ नाम है जो रखा गया है जा कुछ हो रहा है? बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। तुसी बड़ा प्यारा सवाल किया और मैं ये थोड़े जरिए चाहांगा भी सारिया नूं इत्थे मैं जागृत करा। जी सब तो पहले एक चीज बड़ी जाननी पैणी भी इत्थे ना दो तरह दीआं विचारां उठ रहीआं ने। जी एक विचार तो यह उठ रही है भी जे देश दा प्रधानमंत्री साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े नूं वीर जी बाल दिवस वजों एक महानता दे रहे ने तो सानू वो ले लेना चाहिए है, सानू फायदा लेना चाहिए है, गेंद नू अपनी जी झोली दे विच देख लेना चाहिए है। वो अपना लॉजिक ये देंदे ने कि जे वीर बाल दिवस आवेगा तो ये नाल की है कि ये दुनिया जानना चाहेगी भी कौन ने, साहिबजादियां बारे जानेगी, गुरु गोबिंद सिंह जी बारे जानेगी, सिख इतिहास बारे जानकारियां मिलनगियां। कल तो सिलेबस का जी हिस्सा बनेगा, सिलेबस का हिस्सा बनेगा, अदर कम्युनिटी भी जी है वो जानेगी, अनेक भाषावां दे विच साहिबजादियां दा इतिहास छपेगा। वो ये लॉजिक जी देंदे ने, नाल ही वो कहिंदे ने भी जे मझ पसमी होवे ना तो धार चो लेनी चाहीदी है, कहण तो भाव जे मझ ने दुध लाया होवे ना तो फिर सानू वो दुध ले लेना चाहीदा है ना। वो अनेक प्रकार दीआं उदाहरणां इत्थे ये देंदे ने। इत्थे थोड़ा जिहा दूसरा पक्ष ही आ जांदा है, दूजे वीर कहिंदे ने कि साहिबजादियां नूं बाल कहना इतिहास दा अपमान होवेगा। उन्हां दे लॉजिक अपने ने, जी इन्हां दे लॉजिक अपने ने। अखीर ते मैं दसांगा भी मेरा विचार की है, पर मैं चाहुंना भी दोवें पक्ष जिहड़े ने उह संगतां नूं जां स्रोतियां नूं असीं दस दईए। पहला पक्ष ते तुहानूं दस दित्ता भी एक पक्ष इह गल कहिंदे ने भी सानूं फायदा लै लेना चाहीदा है, हिस्टरी जिहड़ी है इहनूं लोक जानणगे, अदर कम्युनिटी जानेगी ते इह सिलेबस दा हिस्सा बण जावेगी, आउण वाले समें दे विच सानूं फायदे हो जाणगे। हुण जिहड़ा जी दूसरा पक्ष है उह कहिंदे जे साहिबजादियां नूं बाल कह के हिस्टरी विच प्रचारिया गिआ ते साडे इतिहास दा अनर्थ हो जावेगा। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਨਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਪਨ ਜੀ ਮੈਂ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, जी ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ जी ਬਾਬਾ बिल्कुल ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਲ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ जी ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦਿਸਾਬਤ, ਬੁੱਢੇ ਸਮ ਮੁਖ ਬਚਨ ਅਲਾਵਤ, ਵੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ जी ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ जी ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ जी ਕਹਿਣ जी ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਇਹਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ जी ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦਿਸਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਬੁੱਢੇ ਸਮ ਮੁਖ ਬਚਨ ਅਲਾਵਤ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ जी ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਨੇ।
मैं इतने नेड़े तेड़े रहना चाहना ताकि वो लोगों का भुलेखा कट दिता जाए। उन्होंने भी यह भुलेखा से भी ये बाल ने, पर उन्हों का भुलेखा उस समय निकल गया जो तो साहबजाद ने भरी कचहरी के जान वेले दरवाजे के अपना सिर नहीं सी नवाया बकायदा अपनी जुत्ती अगे कढ़ी सी उन्हों का भुलेखा निकल गया से। भी कमाल की गल है यार, रात ठंडे बुरज के टकया गया जिथे गर्मिया के अंदर कंबड़ी छिड़ जाती है, खेठों की एक नदी लंघती है ना, उदो कुदरती नाले बड़े निकलते होंगे सी, हुण समय के नाल बड़िया चीज़ा जिहड़ियां ने ओह बंद हो गई। भी कमाल की गल है भी एड्डी ठंड के राती इन्हां नूं टॉर्चर किया गया, तो इन्नी ठंड के रह के बंदा उंदी उंजी बौंदल जाता है। मैं कहना तुसी डॉक्टर गंडा सिंह जी के मुताबिक पढ़ो, वो कहिंदे जो साहबजादियां नूं ठंडे बुरज के रात टिकाया गया तो सवेर वेले साहबजादियां दीआं नक दीआं ठोडियां गुलाबी हो गईआं सी ते बुल नीले हो गए सी। अंदाजा ला के वेखो भी किन्नी ठंड होवेगी। ठंडे फर्श के उपर माता जी ने साहबजादियां नूं गुलबकड़ी लई है। हुण इत्थे दो तीन चीज़ां समझण वालियां ने, उन्हां नूं भी भुलेखा सी भी रात थोड़ा टॉर्चर किया गया ते कचहरी दे विच आके जिहड़े न्याणे ने उह बालपुणा विखाई देणगे, पर जदों कचहरी दे अंदर उन्हां दा भुलेखा सी भी इह बाल ने, वजीर खान दा भी भुलेखा निकल गया ते सुचा नंद दा भी भुलेखा निकल गया जदों साहबजादियां ने कचहरी दे दरवाजे वल लोकां दीआं अक्खां सन भी जिहड़ा वड्डा दरवाजा उह बंद कर दित्ता गया ते आम करके छोटी जी एक बारी टाइप है जिहदे विचों सिर नवा के निकलणगे। पर कमाल दी गल है जिन्हां नूं उह बाल समझदे सी उह बाल नहीं सी, क्योंकि उन्होंने सिर नहीं नवाया, उन्होंने बकायदा अपनी जुत्ती पहला कढ़ी सी और बड़ा बड़ा सुनेखा सी भी थोड़ी एड्डी वड्डी कचहरी नूं असीं जुत्ती ते नहीं जाणदे। उन्हां दा भुलेखा निकल गया, उन्हां दा भुलेखा उदों निकल गया जदों एड्डी रात ठंडे बुरज दे विच टिका के, ठंडे बुरज दे विच फिजिकली भी ते मैंटली भी टॉर्चर करके ते कचहरी दे विच जाके गज के फतेह बुलाउंदे ने, उन्हां दा भुलेखा निकल गया। और इत्थे इक होर चीज़ मैं दसनी चाहुंदा वां, जिहड़े साहिबजादे नूं बाल समझदे सी ना उन्हां दे विच मेन सी सुचानंद जी। मैं इत्थे किसी कम्यूनिटी का जिक्र नहीं करता, कई बार वो कम्यूनिटी मैटर बन जाता, हर कम्यूनिटी के चंगे माड़े बंदे होंगे ही होंगे ने। हुण ध्यान दे के सुनिया जे जी, सुचानंद एक ऐलानिया गल करता है क्योंकि वह समझदा भी ये बाल ने, वह एक गल कहिंदा है वजीर खान नूं, कहिंदा मैं एक बेनती करनी चाहुंदा वा। वह कहिंदे दसो जी, कहिंदा जनाब बेनती असल दे विच इह है भी है तो बाल ने, जे कहिंदा भी तंदूर टपाउणा होवे ते जे तंदूर साडा किक्कर दी लक्कड़ नाल टप जांदा है ते सानूं चंदर बालण दी की लोड़ पई है, जे गंढ हाथ नाल खुलदी है ते सानूं दंद लाउण दी की लोड़ पई है, कहिंदा जे दुश्मन गुरदतिया मरदा है ते सानूं जहर देण दी की लोड़ पई है। वजीर खां कहिंदा भी गुंझलां जीआं ना पा, उदाहरणां ना दे, गल नुक्ते दे उपर आ, तूं कहिणा की चाहुंदा है। कहिंदा कहिणा इह चाहुंदा है ते बाल ने ना, ते न्याणा कहिंदा भुक्खा हुंदा है जां खाण पीण दा जां खेडण दा, कहिंदा जी आपां छोटा जिहा प्रबंध कर दईए, मिठाइयां ते खिडौने रख दईए, न्याणियां ने इहदे विच उलझ जाणा है ते बाल ने। पर उहनां दा भुलेखा उदों निकल गया सी जिहड़े बाल कहिंदे सी जदों साहिबजादे ना ते खिडौणियां दे कोल रुके ने ना मिठाइयां दे कोल रुके ने, साहिबजादे कित्थे जा के रुके ने, जिथे इहनां दे हथियार पए सन, एक बाबा जोरावर सिंह ने सूत लई ते एक बाबा फतेह सिंह जी ने सूत लई, ते अंदाजा ला के वेखो भी उहनां दा ते भुलेखा निकल गया सी भी इह बाल कहिंदी है ना। हुण इह भुलेखा पिया होया सरकारां नूं, इह भुलेखा पिया होया कुछ लोकां नूं, और इह भुलेखा पिया होया साडे कुछ सिखां नूं। मैं किसे नूं माड़ा कहण दी बजाए देखो एक पॉजिटिव पक्ष इह है भी जे सरकार कुछ देंदी है तां सानूं लैणा चाहीदा है, जे सरकार सिखां नूं नेड़ता वास्ते जां भावें 24 दी तैयारी करदी है भावें 27 दी तैयारी करदी है भी जे साडी झोली कुछ पाउंदी है तां सानूं लै लैणा चाहीदा है ना। देण दे विच ते बड़ा कुछ है, पंजाब कर्जा मुक्त कीता जा सकदा है, चलो जे आपां कह दईए भी सारे भारत विच माफ करना पैणा बड़ा वड्डा मुद्दा आ जांदा है ना, ते फिर इत्थे बंदी सिंह जिहड़े ने उह ते ज्यादातर सिक्खी दे पंजाब ते सिक्खां नाल संबंधित ने है ना, उह छड्डे जा सकदे ने। सो कहण तों बाद बड़े मुद्दे ने जिहड़े करन वाले ने, पर इत्थे मैं छोटी जिही इक बेनती करनी चाहुंदा वां, जे मन लो असीं वीर बाल दिवस कहिंदे आ ते सानूं बाल तों दिक्कत है ना, मन लो कम्यूनिटी साडी नूं बाल शब्द तों दिक्कत है ना भी साहिबजादियां नूं बाल नहीं कहण देणा भी असीं बाबे कहिंदे आ, ते फिर इहदे विच दिक्कत की है, साहबजादे शहादत दिवस कह दिओ, सानूं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जे सरकार देंदी है ये दिन असीं लै लैंदे आ, सानूं भी पता है भी जे सरकार इस दिन नूं मानता देंदी है ते ये गल बड़ी वड्डी होनी है, अदर कम्यूनिटी दे विच जानी है, अनेक भाषावां दे विच जानी है, सिलेबस का हिस्सा बननी है, दुनिया जानने का यतन करेगी है ना, इहदे विच बेनीफिट्स ने, पर बेनीफिट तां ही ने जे सचमुच इस चीज़ नूं उसे रूप दे विच लागू किया जाए जिस रूप दे विच चीज़ हैगी सी। साहबजादे शहादत दिवस कह दिओ, सानूं कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
जी है ना, इतने ये चीज आ सकती, साहबजादे शहादत दिवस जोड़ा आ वह हो जाए। पर जो सिखा के विरोध के बच्चों भी सरकार ने प्रोग्राम करवा लिया तो थोड़ा जा कई लोगों का दिल दुखिया भी जे लोगों ने इतराज जी जताए सी तो उन्होंने इतराजा मद्देनजर रखिया जाता, पर उन्होंने इतराजा दरकिनार करते हुए सरकार ने प्रोग्राम करवा लिया। देखो एक चीज बड़ी समझ आ जाए, जी 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होंदा है आम करके पूरे विश्व के अंदर, ठीक, जी पर भारत के जड़ा बाल दिवस है ये 14 नवंबर मनाया जाता है। वह बड़ा बड़ा कारण यह है, वह कहा जाता है भी जवाहर लाल नहरू जी बच्चों को बड़े प्यार करते सन, है ना, तो बच्चे उन्होंने बड़ा प्यार करते सी, इस करके जी वह बच्चे जड़े ने उन्होंने चाचा जी कहते होंगे सन, तो जो उन्हों की मौत हुई उस तो बाद पूरे विश्व के अंदर तो 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पर भारत के 14 नवंबर कर दिता गया, है ना। हुण सरकार की की मनशा है मैनू नहीं पता, है ना, भी किते दूजी पार्टी नूं थले लाउण वास्ते कीता जा रहा या किवें कीता जा रहा, चलो वह सारे विषय आ गए वखरे। मैं कहना भी जिथे वीर बाल दिवस किया जा रहा ना उत्थे साहबजादे शहादत दिवस कह दिता जाए, तो इन्हें नाल सिख भी खुश हो जाएंगे तो सरकार की भी असी गणा के प्राप्ति की गई है। पर इस तो पहला भी मेरे ख्याल दे विच प्रधानमंत्री जी ने गल कही सी ना 550 साल के उपर भी असी बंदी सिंह छड़ देंगे, वह कहानी बिच दी बिच रह गई। हुण असी वीर बाल दिवस वाली गल आ गई है और यह भी इतराज होने के बावजूद गल बिच विचाले च रह गई। इतने मैं छोटी जी एक बेनती करनी चाहना वा, बड़िया के भुलेखे उस समय भी निकल गए सी जदों एक चीज होर समझ आ जाए, साहबजादियां नूं भरी कचहरी के अंदर फिजिकली भी टॉर्चर किया गया तो मैंटली भी टॉर्चर किया गया। एक बड़ी पुरानी किताब है कथा गुरु जी के सुतन की, उहदे लिखारी ने बापू दुना सिंह हडूरिया, वह समकाली ने जो अखी वेखिया वह लिखिया, वो लिखते हैं पीपल बन गुलेले मारे, वह कहते साहबजादियों के हाथ बन के ना तो गलीलों के नाल इन्हों के मूँह से वार करवाए गए सी, और बाबा फतेह सिंह जी की एक अख नुकसानी भी गई सी, तो जो अख नुकसानी गई तो उस तो बाद वजीर खां दे कोल पेश किया गया तो पूछा गया भी तुहाडा की ख्याल है, तो बाबा फतेह सिंह ने अपनी अख ते हाथ रख के ना तो सिर हिला के कहा सी तुहाडी लत हेठों लंघण का अजे भी साडा कोई ख्याल नहीं, है ना। तो उन्होंने भुलेखे निकल गए सन, तो जो भुलेखा सुचा नंद का निकलिया सी ना वो एकदम बोलिया सी, वो कहिंदा नवाब साहब सप्प दे बच्चे ने इन्हां दे सिर फेर देने चाहिए ने। सो मैं तो सिर्फ इन्नी बेनती करांगा भी जे उस समय दीआं हकूमतां दे भुलेखे निकल गए सी जिहड़े साहबजादियां नूं बाल मनदे सन, तो अज भी सरकारां थोड़ा जिहा ध्यान रखण भी जे सिख कौम इतराज करदी उह बाबे कहिंदी है तो इन्हां नूं बाल साहबजादियां नूं ना कहा जावे, असी उत्थे जे बाबे भी सरकार नहीं कहिंदी तो साहबजादे शहादत दिवस कह देवे, है ना। सो सिर्फ इन्नी कु गल है जिहड़ी मैं तुहानूं दसनी सी, इह भुलेखा बहुते लोकां नूं उमर करके पिया सी भी साहबजादे बाल ने, पर जो तो सोच बारे पता लगा तो फिर बहुत भुलेखे जिहड़े वह निकल गए सी। अज भी मैं चाहना भी ये भुलेखे साडे निकल जाण कि साहबजादियां नूं बाल कहण की बजाए वीर कह दिता मैं नाल हाँ, पर जे साहबजादे शहादत दिवस कह दे सरकार तो मेरे ख्याल दे विच सानूं ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। जी हाँ मखू साहब, तुसीं जिवें दस्सिया कि सिर्फ एक नाम का रोल है, जे नाम के कुछ शब्द ने जो बदल दिते जाण तां सारा रोला मुक जाएगा, तो सिख कौम नूं भी प्रवान हो जाएगा कि यह जो पूरे इतिहास में पूरे देश में वख वख भाषावां इस इतिहास में पढ़ाया जाएगा लागू किया जाएगा। जी धन्यवाद मखू साहब, तुसीं अपने विचार साडे दर्शकां दे अगे रखे, बहुत बहुत मेहरबानी है जी, तुहाडा भी धन्यवाद, साडी आवाज़ नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाउंदे हो, मेहरबानी है जी। जी धन्यवाद, सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी।